आपके स्टोर से सामान ग्राहक तक झटपट पहुंचाने तक। बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान। अमेरिका और दूसरे यूरोपीय देशों की तरफ से लगाए गए प्रतिबंधों के बीच तेल और प्राकृतिक गैस की कीमतें आसमान छू रही हैं। भारत सरकार भी अपने तेल और गैस का बिल कम करने के लिए अलग अलग प्रयासों में जुटी हैं। लेकिन आपदा की इस घड़ी में प्रधानमंत्री मोदी ने गेहूं के निर्यातकों से खास अपील की है। बजट से जुड़े एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि इन दिनों दुनिया में भारत के गेहूं की तरफ आकर्षण बढ़ने की खबरें आ रही हैं। क्या हमारे गेहूं के निर्यातकों का ध्यान इस तरफ है? क्या भारत के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का ध्यान इस तरफ है? उनके कहने का मतलब ये निकाला जा रहा है कि गेहूं के निर्यातक यूक्रेन संकट के बीच उन देशों को गेहूं निर्यात करने के बारे में सोचें जो अब तक यूक्रेन और रूस से इसे खरीदते आए हैं। इस वजह से दुनिया और भारत के गेहूं के बाजार के बारे में समझना जरूरी है। विश्व में गेहूं का निर्यात करने वाले टॉप 5 देशों में रूस, अमेरिका, कनाडा, फ्रांस और यूक्रेन है। ये 5 देश मिलकर 65% बाजार पर कब्जा जमाए बैठे हैं। इसमें से 30% एक्सपोर्ट रूस और यूक्रेन से होता है। रूस का आधा हिस्सा गेहूं मिस्र, तुर्की और बांग्लादेश खरीद लेते हैं, जबकि यूक्रेन के गेहूं के खरीदार मिस्र, इंडोनेशिया, फिलीपींस, तुर्की और ट्यूनिशिया हैं। अब दुनिया के 2 बड़े गेहूं निर्यातक देश आपस में जंग में उलझे हों तो उनके ग्राहक देशों में गेहूं की सप्लाई बाधित होनी लाजमी ही है। इस वजह से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गेहूं की डिमांड बढ़ रही है और सप्लाई के दूसरे सोर्स तलाशे जा रहे हैं। मध्य पूर्व और उत्तर अफ्रीका के देशों में गेहूं संकट की शुरुआत हो चुकी है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मिस्र जैसे देश में कुछ महीने का गेहूं का स्टॉक बचा है। मिस्र अपने गेहूं की खपत का 80% हिस्सा रूस और यूक्रेन से आयात करता है, इस वजह से वहां दिक्कत ज्यादा है। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक आने वाले दिनों में गेहूं का आयात करने वाले देशों को 40% ज्यादा खर्च करना पड़ सकता है। नतीजा ये कि कुछ देशों में गेहूं के दाम तेजी से बढ़ने लगे हैं। भारत जैसे देश में भी पिछले 1 सप्ताह में गेहूं के दाम MSP से अधिक हो गए हैं। यही वजह है कि पीएम मोदी भारत के गेहूं निर्यातकों से आपदा में अवसर की तलाश करने को कह रहे हैं। दुनिया में गेहूं के पैदावार में चीन पहले पायदान पर आता है, भारत दूसरे पर, लेकिन निर्यात में दुनिया के टॉप 10 देशों में अमेरिका, रूस और यूक्रेन के साथ भारत शुमार नहीं होता है। भारत में सालाना 400 से 450 लाख टन गेहूं की पैदावार होती है और कुल पैदावार का 100 से 150 लाख टन खुले बाजार में बिक जाता है और कुछ निजी इस्तेमाल में लग जाता है। बाकी तकरीबन 300 लाख टन गेहूं FCI खरीद लेती है। FCI इसमें से 220 से 230 लाख टन का गेहूं का इस्तेमाल अलग अलग स्कीम के तहत करती है। बाकी 70 से 80 लाख टन का गेहूं बच जाता है और ये बचा हुआ गेहूं माननीय सहायता के तौर पर कभी कभी दूसरे देशों को दे देते हैं। इन आंकड़ों से ये समझना मुश्किल नहीं कि भारत में निर्यात के लिए गेहूं पर्याप्त मात्रा में है, सप्लाई की कमी नहीं होगी। तो फिर निर्यात में भारत पीछे क्यों है? इसके 2 अहम कारण हैं। देश में ही अधिक मात्रा में गेहूं की खपत होना और दूसरा है गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य अंतर्राष्ट्रीय बाजार से अधिक होना। यूक्रेन रूस संकट से पहले तक अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गेहूं का रेट कम और भारत में ज्यादा रहता था, इसलिए आयात करने वाले देश भारत का रुख नहीं करते थे। कुछ जानकार इसके पीछे गेहूं की गुणवत्ता को भी एक वजह मानते हैं। गेहूं की 2 तरह की क्वालिटी भारत में होती है। एक वो जो पंजाब हरियाणा की तरफ होती है, उसे सॉफ्ट गेहूं कहा जाता है। दूसरा वो है जो मध्य प्रदेश में होता है और इसे शरबती गेहूं कहा जाता है। मध्य प्रदेश में होने वाले गेहूं का इस्तेमाल ब्रेड और बेकरी की चीजें बनाने में ज्यादा होता है, इस वजह से कई लोग इसे बेहतर मानते हैं। यूरोप के देशों में शरबती गेहूं की डिमांड ज्यादा होती है। ये अहम वजह है कि भारत के गेहूं के ग्राहक देश बांग्लादेश, नेपाल, UAE, श्रीलंका, अफगानिस्तान और कतर हैं।
यूक्रेन रूस युद्ध का अंत तुरंत नजर नहीं आ रहा है। ऐसे में क्या दुनिया को गेहूं संकट से उभरने के लिए भारत के गेहूं निर्यातक कोई भूमिका निभा सकते हैं? साल 2014 में रूस ने जब क्रीमिया पर हमला किया था, तब यूरोपीय संघ के देशों ने रूस को डेयरी उत्पाद देना बंद कर दिया था। उस समय अमूल ने रूस में जाकर नया बाजार तलाशा था और उनका साल का टर्नओवर काफी बढ़ गया था। उस लिहाज से देखें तो इस समय भारत के गेहूं के निर्यातकों को दूसरे देशों में गेहूं बेचने का विकल्प तलाश करना चाहिए। गेहूं एक्सपोर्ट के कुछ फायदे भी हैं और कुछ नुकसान भी। फायदा ये कि भारत के गेहूं को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में एक अलग पहचान मिलेगी। भारत के निर्यात बिल से होने वाली कमाई में इजाफा होगा। भारत सरकार राशन में जिन्हें गेहूं देती है उन पर इसका कोई असर नहीं होगा, लेकिन नुकसान ये हो सकता है कि वो मिडिल क्लास जो पैकेट का आटा खरीदते हैं उनको आने वाले दिनों में बढ़ी हुई कीमतें चुकानी पड़े। इसमें कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स बढ़ सकता है। आज की तारीख में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गेहूं 40,000 रुपये प्रति टन है। भारत के FCI के गोदाम में रखे गेहूं तकरीबन 25,000 रुपये प्रति टन में खरीदे गए हैं। MSP और माल ढुलाई जोड़ दें तब, यानी गेहूं के दाम भारत में आज की तारीख में कम है। इसके लिए भारत उन देशों को अपना ग्राहक बनाने की कोशिश में लग सकता है जो पहले रूस और यूक्रेन के ग्राहक हुआ करते थे। ये रिपोर्ट मार्केट टाइम्स TV। आपके हर बिल को बनाने और उसका हर हिसाब रखने तक बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान।